नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का खैर मकदम करती हूं। कभी देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस आज कहां स्टैंड कर रही है, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रही है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चुनौती का सामना करने में लगातार नाकाम कांग्रेस अपने घर के झगड़ों की वजह से कमजोर होती जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे ताजा जो मामला है वो गोवा का है, जहां पर कांग्रेस के 11 में से 6 विधायक अलग हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। माइकल लोबो को नेता विपक्ष के पद से हटा दिया गया है और डैमेज कंट्रोल के लिए महासचिव मुकुल वासनिक गोवा भेज दिया गया है। इसके बाद भी गोवा कांग्रेस में बागियों की संख्या बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कल शाम प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके विधायक दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर प्रेशर बनाया, उनको लालच दिया कि बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। इससे पहले 2019 में गोवा की कांग्रेस 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। शायद इसी वजह से 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को धर्मस्थलों पर ले जा करके वफादारी की कसम तक खिलाई थी। ये दोस्तों राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप कुरान पे हाथ लगवाइए, आप गीता पे हाथ रखवाइए, आप कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाकर के उसे कसम खिलवाइए। ये हालात बताते हैं कि कांग्रेस अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। कांग्रेस के गृहयुद्ध की कहानी गोवा तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के कारण कांग्रेस एक और राज्य में विपक्ष में पहुंच गई और ऊपर से उसके आधा दर्जन विधायक बिटके हुए हैं, जिन्होंने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इसके बावजूद नई सरकार के विश्वास मत की वोटिंग से वो गैर हाजिर रहे। अब आप देखते जाइए कि जो कांग्रेसी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, महीने भर पहले ही हरियाणा में पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद कांग्रेस अपने उम्मीदवार अजय माकन को राज्यसभा चुनाव में नहीं जिता पाई। प्रदेश संगठन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूछ बढ़ने से नाराज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। राज्यसभा चुनाव के महीने भर के बाद भी कांग्रेस अजय माकन की हर जिम्मेदारी जो है तय नहीं कर पाई, ना ही उस पर विधायक पर कोई कार्रवाई कर पाई है जिसने अपना वोट रद्द कराया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब वो अपने लोगों पे कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। राजस्थान जहां उसकी सरकार वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट में 36 का आंकड़ा है, सभी को पता है। 2020 में कुछ दिनों की बगावत के बाद पायलट घर लौट आए थे, लेकिन तब से गहलोत उन पर किसी न किसी तरीके से टॉन्ट करते रहते हैं, निशाना करते रहते हैं उनपे। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बहाने गहलोत ने पायलट के पुराने जख्मों फिर से छेड़ दिया, उन पर फिर से नमक छिड़क दिया। इसके जवाब में पायलट ने जो जवाब दिया, जो बयान दिया, उसका मतलब यही है कि वो गहलोत की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पायलट लगातार कांग्रेस आला कमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। और कुल मिला के जो मैसेज जा रहा है वो ये कि राज्य में कांग्रेस सरकार चलाने और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कराने की बजाय वहाँ की कांग्रेस आपस में उलझी रही है। इतनी जबरदस्त गुटबाजी वहाँ देखने को मिल रही है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। राजस्थान जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी पर टीएस सिंह देव की नजर है।
साल के आखिरी में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। युवा नेता हार्दिक पटेल अब बीजेपी में जा चुके हैं और बड़े सामाजिक नेता नरेश पटेल कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने तक की चर्चा हो रही थी। गलत फैसलों और गुटबाजी के कारण कांग्रेस पंजाब की सरकार तो गंवाई चुकी है, अब एक के बाद एक उसके बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस बिहार और यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, सोच समझ नहीं पा रही है कि वो करे तो करे क्या। कांग्रेस की जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो अंदरूनी इसकी गुटबाजी है, कर्नाटक में भी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि केरल से लेकर के कश्मीर तक फैली हुई है, और यही वजह है कि चुनाव में कांग्रेस नेता विरोधी से लड़ने की बजाय आपस में ही भिड़े हुए हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी की चुनौती भी सामने खड़ी हुई है, उसे भी फेस करना है। अपने नट बोल्ट ठीक करने के मकसद से कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में 3 दिन तक मंथन किया, लेकिन ऐसा लगता है कि गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि की जो कहानी है, जो एक प्रॉब्लम है, उसका कांग्रेस के पास कोई इलाज नहीं है। तो ये जो आपसी गुटबाजी है इन राज्यों में, इसने कांग्रेस को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना खोखला कर दिया है कि शायद एक दिन वो विपक्ष में बैठने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो ये था कांग्रेस की टूटन का एक छोटा सा कंटेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा कंटेंट, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलती है आपसे किसी और कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।